नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, जनवरी के 26 तारीख, शासन त्रिंतक यानी वारी। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। नेशनल पार्टी सुरीनाम और इस पार्टी का फोरसेटर सभापति ग्रेगरी रुसलान कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए इस बात पर कि नूरेन शुंग जो है ये अब इनका पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है। ऐसा पता चला है पिछले शनिचर को जब एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टासी फेहापे का था, फेहापे के 70वीं सालगिरह के मौके पर ओरिफान में, जहाँ पर शुंग मौजूद था। नूरेन शुंग जो है इन लोगों का एक्स पार्टी हनोथ है, एनपीएस का एक्स पार्टी हनोथ है। ये अपना पॉलिटिकल करियर शुरुआत किए एनडीपी के पास, एनडीपी में, और उसके बाद ये एनपीएस का हिस्सा हुआ, एनपीएस का मेंबर हुए हैं। ग्रेगरी रुसलान कहते हैं कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शुंग कई दिनों से ये पार्टी का हिस्सा नहीं था, मेंबर नहीं था। ये अपना लेथ मात्सखाप जो है छोड़ दिए थे और अब वो फेहापे का हिस्सा हो गया है, फेहापे में वो भर्ती हो गए है। तो इसमें कहते हैं कि कोई हैरानी के बात नहीं है। हम आपसे ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि 2010 में शुंग सिर्फ 195 वोट के साथ, 195 के साथ बैठक लिए थे पंचघर में, या पार्लियामेंटारियर बने इलाका परामारीबो में। गियोफारी अवाना ये 2 हफ्ते से लापता है, पुलिस इसके तलाश कर रहे हैं। शनिचर जनवरी के 12 तारीख इस आदमी ने अपनी 51 साल के सास को इफोन रोनोविजोयो पर गोली चलाया है और इसके वजह से ये स्त्री या औरत के देहांत हो गए हैं। ये हादसा हुआ है रिसोर्ट लेली दौरप में। ये पुलिस के बयान से ये पता चला है, पुलिस के रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये गियो फेरी जो है आलियास बॉबी, ये इस औरत जिसका देहांत हुआ इसके बड़ी बेटी के साथ उसी पता पर भी रहती थी जहां पर ये हादसा हुआ है, बाकी के ससुराल के लोगों के साथ, बाकी के परिवार के साथ। लेकिन कुछ हफ्तों से वहाँ से वो चल गया था क्योंकि इनका जो संबंध था ठीक नहीं था अपने पत्नी के साथ। उस दिन जब यह हादसा हुआ है तो ये बंदूक के साथ आई है और ये मकान पर गोली चलाई है और इसमें से एक गोली ये स्त्री जो है, ये औरत इफोन रोनोविजोयो, इनके सर पर लगे है और इससे ये घायल हुए हैं और इनके देहांत हो गए हैं। पुलिस अभी तक इस आदमी के तलाश कर रहे हैं। क्वाता के पुलिस ये खबर दिए है कि मंगल के सुबह में एक मेल्डिंग आई है, खबर पुलिस के पास आई है कि शीतुस रात में एक मकान पर गोली चलाया गया है। इस मकान का मालिक ये बताते हैं कि लगभग 4 बार गोली चलाया गया है मकान पर। किसने गोली चलाई है, क्यों गोली चलाई है, ये नहीं पता है। पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रहा है, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पैट्रिक कैंसनहर्स जो एनडीपी का पार्लियामेंटारियर है, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल जंग जो है ये शुरू हो गया है, लेकिन इनका ये कहना और मानना है कि पॉलिटिकल जंग जो है ये सिर्फ फेहापे और एनडीपी के दरमियान रहेगा आने वाले चुनाव 2020 त्विंतक में। ये कहते हैं कि वैसे एनडीपी का एक टारगेट है, एनडीपी ने कहे है कि 26 सीट्स ये सब हासिल करने वाले हैं, लेकिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो फेहापे का फोरसेटर है, ये बीते हुए शनिचर के मासा मीटिंग पर कहा है कि फेहापे का टारगेट है 28+ सीट्स, मतलब 28 से ज़्यादा सीट्स फेहापे हाजिर करना चाहते हैं। कैंसन हाउस कहते हैं कि फेहापे एनडीपी का सबसे बड़ा कॉन्क्यूरेंट है और इसलिए और बाकी के लोग जो है ये सब इनके लिए कॉन्क्यूरेंट नहीं है। मतलब ये है कि पॉलिटिकल जंग जो रहेगा, पॉलिटिकल स्ट्राइक जो रहेगा, ये फेहापे और एनडीपी के दरमियान रहेगा और ये एनडीपीयर जो है ये कहते हैं कि इसके लिए ये सब तैयार है। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि शुलसक निहाफन में एक बड़ा तादाद में कंटेनर में जिसमें चावल था द्रुक्स मिला है, लगभग 2300 किलोग्राम कोकाइन मिला है और इसमें नाम लिया गया था ऑन द नेमर नितेंद्र उमराव सिंह का। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस मामले में नितेंद्र उमराव सिंह जिनका देहांत हो गया, इसका कत्ल हुआ है, इसका लाश हुयाना में बर्बीस स्त्रम पर पाया गया है, इनके सर पर गोली चलाया गया है, गोली के निशान था। ये लाश जो है नितेंद्र उमराव सिंह का, ये बीते हुए बुध को सुरीनाम में लाया गया है, सुरीनाम में आ गया है। इनका वकील इरविन कन्हाई ऐसा खबर हमें दिए है और ये कहते हैं कि वीकेंड में इसका दाह क्रिया भी की जाएगी।
इस ड्रग्स के मामले में पुलिस ये भी बताई है कि 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें ये अंदर नेमर नितेंद्र उमराव सिंह का नाम भी लिया गया था। 10 लोग अभी तक पुलिस के हिरासत में है और इन लोगों का वकील जो है, इसमें से 10 में से कुछ लोगों का वकील इरविन कन्हाई है, लेकिन इरविन कन्हाई कहते हैं कि OM की तरफ से, ओपन बार मिनिस्टेरी की तरफ से अभी तक इन्हें इजाज़त नहीं मिला है अपने क्लियंटन से मिलने को, इन लोगों से बातचीत करने को। वो उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये रुकावट जो है क्लियंटन से मिलने को ये निकाला जाए, ये हटाया जाए, ताकि ये अपने क्लियंटन से बातचीत कर सकते हैं। खेतियर लोग, जो लोग धान लगाते हैं, ये सब काफ़ी गुस्से में है। ये सब बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ है कि इन लोगों को रे और फूर तखन बलास्टिंग भरना है। ये कानून जो आया है कि हर एक जो ओपन बार वेख यानी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को रे एंड फूर तरह बलास्टिंग भरना है, लोग ये ऐसा नहीं चाहते, बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। ये खेतियर लोग कहते हैं कि ये सब लोगों को ज़्यादा बलास्टिंग भरना है, क्योंकि ट्रक और ट्रैक्टर के साथ अगर लोग ओपन बार वेक पर आते हैं तो इसके लिए भी इन लोगों को बलास्टिंग भरना है और ये ज़्यादा पैसा होते हैं। कई बार खेतियर होते हैं जिनको ना एक खेत है लेकिन और ज़्यादा खेत है, और इसलिए सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रक और ट्रैक्टर लेकर दूसरे खेत जाने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को बलास्टिंग भरना पड़ेगा। हरिनंदन उमराव जो सुरीनाम सेपादी बोरन एसोसिएशन का फोर्सिटर है, ये कहते हैं कि यह बलास्टिंग ये खेतियर के लिए आफ्साफ करना चाहिए, निकाल देना चाहिए कि खेतियर को बलास्टिंग नहीं भरना पड़े। लेकिन ये भी वो कहे हैं कि ऐसा होगा तो हो सकता है कि वो खेतियर जिनके पास 2, 3 या 4 या 5 खेत है जहाँ पर लोग धान लगाते हैं, शायद ये सब सिर्फ एक ही खेत में काम करेगा और बाकी के खेत है वहाँ पर कोई धान लोग नहीं लगाएंगे। एक ख्वाब अंदर रोफ ओवरफॉल हुआ है, मतलब कुछ चोर गुंडों ने डाका डाले है इलाका वानिका में मंगर के सुबह में। और यह मेल्डिंग जब आई कि एक ख्वाब अंदर रोफ ओवरफॉल हुआ, मतलब गुंडे, इन लोगों के पास हथियार बंदूक थे, ये सब एक मकान में अंदर गए हैं। 3 लोग थे, 3 गुंडे थे। उस वक्त मकान के मालकिन जो है ये अकेले घर पर थी, लोग इन पर हमला किए है, इनको लोग बांध दिए है, पूरा मकान लोग उलट फुलुट दिए हैं और यहाँ से कुछ पैसा फालूता और एसआरडे में लोग यहाँ से लेकर फरार हुए। लेकिन इसके अलावा लोग गहने भी चोरी किए हैं, 50,000 एसआरडे जिसका कीमत है, वार ये खौद सीराद का है 50,000 एसआरडे का, ये तमाम पैसा और गहना चोरी करके ये चोर गुंडे वहाँ से भाग गए हैं। कामेसी साकी द्रियन सेस्तहियार 63 साल का ये आदमी एतवार को यातायात में अफबा का वेख में इसका देहांत हो गया है एक हादसा से। एक मोटर गाड़ी एक पिकअप जाकर इनको धक्का लगाया है, इनसे टकराया है और वहीं पर रास्ते पर इनका देहांत हो गया है। जब डॉक्टर को लोग तार किए हैं, पुलिस वहां पर पहुंचे, डॉक्टर को तार किए तब ये पता चला कि इसका देहांत हो चुका था। ये कामेसी साकी जो है इस साल 2019 के वास्ते दर्द फरकेश दौद है 3रा शख्स है जिसका देहांत यातायात में एक हादसा से हुआ है। ये पिकअप बस्ती उधर 34 साल का एक आदमी जो है ये अपने बयान में पुलिस को बताए हैं कि इस आदमी से टकराने के बाद ये नहीं रुके हैं, ये एक ही दम क्लास क्रीक गए हैं वहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट करवाने के वास्ते। ये बताए कि अचानक अफबा का वैक से ये गुजर रहा था तो ये आदमी इनके गाड़ी के आगे आ गया है और ये मोटर गाड़ी रोक नहीं पाए है तो जाकर इनसे टकराए है, लेकिन घबरावत में आ गए थे, डर गए थे, इसलिए ये क्लास क्रीक के पुलिस के पास गए हैं वहाँ पर बताने के लिए कि क्या हुआ है। ये पुलिस जो है इनका रेबवेस जो है ले लिए है, इनका एक खैलदख रेबवेस था, ये नशे के हालात में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि इनके द्वारा इनके ज़रिए एक शख्स का देहांत हुआ है तो पुलिस इसका रेबवेस ले लिए है और ये जो ओंदुशुक है खोजबीन आगे हो रहा है। ओपन बार मिनिस्टेरी से बातचीत करने के बाद यह लाश जो है कामेसी साकी का भी ऑब्डक्सी के वास्ते सेक्सी के वास्ते कब्जे में लिया गया, बसलख में लिया गया है। एक बात जो बहुत से लोग सुनना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहते हैं कि मंगर फरवरी के 5 तारीख एक छुट्टी का दिन रहेगा, एक नचुनाल फ्रेदाख रहेगा, यह बराबर है एक एतवार से।
मतलब ये है कि 5 तारीख फ़रवरी को क्या होगा हम आपको बताते हैं। चीनीज न्यू ईयर है, चाइनीज़ लोग अपने नए साल मनाएंगे और इस साल यार फन स्वेन फन फर्कन है, यानी सुअर का साल है चाइनीज़ लोगों के वास्ते। ये चीनीज़ न्यू ईयर जो है ये चाइनीज़ लोगों के वास्ते चीनीज़न के वास्ते बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत ही अहम है इन लोगों के लिए, सबसे ख़ास जश्न है इन लोगों के वास्ते। 2015 में प्रेसिडेंट देसी बाओ तशेसुरी नाम देश का प्रेसिडेंट जो है ये तय किए हैं कि चीनीस नेवियार जो है अब एक नेशनल फ्रेयदख रहेगा सुरीनाम देश में, यह बराबर है एक एतवार से। और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि सुरीनाम देश में सुरीनाम जो है एक ही देश है वेस्टर्न हाफ राउंड पर, सुरीनाम एक ही देश है वेस्टर्न हाफ राउंड पर, जो चीनीस नेवियार को एक नेशनल फ्रेयदख मानते हैं। Minister Lilian Ferrier, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, ka Jack Menke, jo voorzitter het bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname, ka in ko 1 februari is sal 2019 se in ke padwi se hatane wale hai, in ko ontslag se bhejne wale hai. Ye in se kaha gaya hai ki 1 februari se in ko ontslag milega. Ye sunne mein aaye hai ki RFM mein ye faisla pichle hafta ho chuka hai, is bare mein RFM में लोग बातचीत कर चुके हैं, राजस्थान मिनिस्टर्स में बातचीत हो चुका है। ये पता चला है कि बहुत से गलत काम हुआ है, बेकानूनी काम हुआ है और EASR का बस्तूर जो है सिहतिंग इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च खोजबीन करने के बाद ये बात सामने लाई है और मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद विसो प्रेसिडेंट के साथ बातचीत हुआ है और भी RFM में इस बारे में बातचीत हुआ है, तो ये फैसला लिया गया है। डायरेक्सी को अपने बचाव में खुलासा लाना है तमाम बातें जो इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, इस पर लोग अपना अपने बचाव में बयान दे सकते हैं। EASR का बस्तूर जो है इन लोगों का ये भी बताया गया है कि प्रोफेसर मार्टिन स्खालकवेग जो है 2006 से लेकर 2016 तक ये डायरेक्टर था सिहतिंग EASR का, ये भी अपना ओंसलाह ले चुके हैं। सेक्रेटारस ये था, इन दिनों में सेक्रेटारस था बोर्ड PhD स्कूल का होग लेरार जो था आदेक के बस्तूर के पास, ये भी अपना पदवी छोड़ दिए हैं, ये बात सुनकर ये भी अपना पदवी छोड़ दिए हैं और ये कहते हैं कि ये EASR के साथ अब काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये है कि EASR के बस्तूर ये खोजबीन से इन लोगों को पता चला है कि आदेक का बस्तूर जो है ये सब कुछ बेकानूनी काम किए हैं और अब प्रोफेसर मार्टिन स्खालकवेग जो है ये कहते हैं कि ये EASR के बस्तूर के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। स्खालकवेग का कहना है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है, कुछ भी गलत काम नहीं हुआ है और ये खोजबीन ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो भी ये खोजबीन आएगा। मिनिस्टर ने ये बता चुके हैं कि खोजबीन आएगा कि इतने दिनों से क्या हो रहा है आदेक पर, अंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी पर। इस वक्त के EASR बस्तूर में बैठक लेते हैं रॉबर्ट पावर जो फोरसेटर है, जॉन कोद्रिंगटन सेक्रेटारस और नायला फंदेक ये पेनिंग मेस्टर है, अंदरवेज का मिनिस्टर फिसा प्रेसिडेंट अश्विन अधीन, बस्तूर आदेक का और RFM बातचीत कर चुके हैं और बातचीत का अंजाम ये हुआ है कि मेंक ओंसलाह से जाने वाली है 1 फरवरी को और यहाँ पर एक क्लब ओंदरशुक आएगा, मतलब फॉरेंसिस ओंदरशुक सेंट्रल लंस अकाउंटेंट्स दिन के जरिए यहाँ पर भी होने वाले है। इसमें से क्या निकलेगा मुमकिन अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। विलियम वाइडू जो PL का परचाया लुहूर का पार्लियामेंटारियर है इलाका निकेरी का, ये पंचघर में कहे हैं कि इन दिनों में बड़े तादाद में बांस सौरफ शेकरिंग्स कार्टन लोगों को दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस देश में सभी के लिए NDP है तो क्यों सिर्फ NDPers को ये बासिस सौरख कार्ड मिलता है, बासिस सौरख शेकरिंग्स कार्ड मिलता है, क्यों दूसरे लोगों को दूसरे पार्टी के लोगों को ये कार्ता जो है नहीं मिलता है। PL का ये पार्लियामेंटारियर वाइदू ये बातें कहे हैं अलखमीन पोलिटिक बस्खाविंगन के दौरान DNA में,
ये पार्लियामेंटारियन जो कहते हैं कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत इस्तेमाल किया जाता है, अपने ताकत का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जनता के जीतने को, जनता के ज़रिए वोट हासिल करने को आने वाली चुनाव के वास्ते। लेकिन खुशी की बात ये है कि अंतवान एलियास अभी तक मिनिस्टर जो है फॉलक्स सोनथेट का, ये जो लोग एनडीपीआर नहीं है तो भी इन लोगों का मदद करते हैं। निकेरी में बात यह भी है कि बहुत से लोग ये कार्ता जो है ये ख़रीदना चाहते हैं अपने इलाज के वास्ते, लेकिन पूरे साल भर के लिए पैसा भरने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। असम लीग का फोर्सिटर जो है खेरलिंग सिमोन्स, यानी फिर खेरलिंग सिमोन्स कहते हैं कि किसी भी तरह से साबित ये बात नहीं हुआ है कि सिर्फ एनडीपीआर्स को बास सरख फर्शेकरिंग स्कार्ट मिलता है। अगर वैदु ऐसा कहते हैं तो उनको पहले ये साबित करना चाहिए, और जब तक ऐसा साबित नहीं होता है तो उन्होंने कहा है ये पीएलए से कि वो सोच समझ के इस बारे में बातचीत करें। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।